हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्या आज कम स्विच मेरा। और एनएक्स के अंदर आज इसका हम मैनुअली मोड बनाएंगे और कोर कैविटी इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक पार्ट है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जाना है क्योंकि ये मेरे पास एक इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट है। तो मुझे डाटम प्लेन दिख नहीं रहे हैं तो मैं डाटम यहाँ से ले लेता हूँ और आप इसको अगर चाहें तो यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं। ओके, अभी जो आ रहा है ठीक है, मैं इसे नहीं छेड़ता हूँ, ओके कर देते हैं। और इसके बाद जब हम नया प्लेन बनाएंगे या क्रिएट करेंगे तो उस वक्त एक यहाँ से मैं न्यू प्लेन ले लेता हूँ जो कि मेरा होगा इस टॉप के साथ अलाइन। ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्लिक, ये मेरा पॉइंट आ गया है। और अब देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये देखिए ठीक ही था, है ना, ये बिल्कुल उसके अलाइन ही हो रहा है। तो नए प्लेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ से एक ब्लैंक बना लेता हूँ जिसमें से मैं कोर कैविटी को एक्सट्रैक्ट करके निकालने वाला हूँ। तो ये मेरा ओरिजिन है और इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया और इसको हम डायमेंशन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक का 25 mm। ये 25 ले लेते हैं और सेम इधर से भी ये लाइन, और यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो मैं एक क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से ले रहा है कुछ, तो एक मिनट कैंसिल कर देते हैं। ये तो गैप मेरा हो गया है। अब ये वाले के लिए आप एक लाइन ले लीजिए, अगर आप प्रॉपरली लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि मैच होके ही आना चाहिए उस केस में, पर ये अभी भी पिक नहीं कर रहा। आप क्वाड्रेंट ले लीजिएगा और लाइन को लेते हैं। तो अब ये हमें टेंजेंट ले रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर्व करा दीजिएगा। ओके, अब ट्रिम कर देते हैं। तो ये गैप मेरे पास आ गया है, ये सिर्फ मैं गैप के लिए मैंने इतना सब काम किया था। अब इसकी डायमेंशन आप स्पेसिफाई कर दीजिए, ये भी 25 ही रहना चाहिए और बोथ साइड में वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ मैं और क्लिक, और ऊपर की साइड और नीचे एक कोर साइड है और कैविटी साइड है, तो इधर मैं लेता हूँ -25 और क्लिक कर देते हैं और ओके। इसे नन रखिएगा और सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ वायरफ्रेम में, कर देते हैं इसे क्लिक। तो जो कोर वाली साइड है, ऊपर वाली मेरी कोर वाली साइड जाएगी, तो कोर वाली साइड थोड़ा सा कम रखूँगा मैं और कैविटी वाली साइड, क्योंकि कैविटी नीचे आएगी इसलिए मैं थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अब मुझे एक पार्टिंग बनानी पड़ेगी। तो इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी आप हाइड कर लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। अब पार्टिंग के लिए आपको ये देखना है कि ये जो बना हुआ है ये आप कोर साइड में रखेंगे, ये जो आ रही हैं ये कोर साइड में रखना चाहते हैं या कैविटी में रखना चाहते हैं। तो मैं इसे कोर में रखूँगा, तो इधर से इसे फिल करते हैं तो कोर में आ जाएगा। सरफेस में जाके हम यहाँ से ले लेते हैं एन साइडेड सरफेस और क्लिक करिए इसे। आप कनेक्टेड की जगह टेंजेंट रख लीजिएगा तो ये एक ही बार में बनता जाएगा। सिलेक्शन, मिडिल क्लिक, ओके। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और आप कुछ अलग देखिए, कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। ये सब मुझे फिल करने पड़ेंगे क्योंकि पार्टिंग जब बनेगी तो पार्टिंग के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। पार्टिंग हम बनाते हैं जहाँ से हम मोल्ड को ओपन करना चाहते हैं। और देखें इधर कुछ बचा हुआ है,
अगर इसमें ये होल्स नहीं होते, अगर हमें ये पैच फिल नहीं करना पड़ता तो आसान था, तो जल्दी हो जाता। लेकिन अभी इस वाले में मैंने इस सबको पैच कर दिया है। और अब यहाँ से हम लेते हैं ऑफसेट सरफेस, और ऑफसेट सरफेस में क्लिक, तो ये पूरे फेस, सी फेस, बॉडी फेस लिखा है, तो सारे के सारे जितने भी फेसेस हैं सबको सिलेक्ट कर लेगा। पर मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऊपर के साइड के जो कैविटी साइड है सिर्फ वो ही चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, ये कुछ ऐसी वार्निंग आ रही है, एक तो मैं इसे टेंजेंट फेस करूँगा और इधर से रीसेट करेंगे, ऑफसेट को जीरो रखेंगे और इसे टेंजेंट फेस लेते हैं। और अब सिर्फ जो टेंजेंट फेस है वो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और ऑफसेट जीरो। ओके, जीरो हो गया। और जो इसमें रह गए हैं आप उन फेसेस को बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करना ही बता दूंगा, अगर कोई गलती से छूट गया होगा तो उसे हम कैसे चेक करेंगे। ऑफसेट से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑफसेट हो जाएगा और जीरो गैप पे, ऑफसेट जीरो है तो इसी के ऊपर ही एक सरफेस और बन जाएगी जो कि कंबाइन होगी, पूरी एक साथ जुड़ी हुई होगी। तो इससे बेनिफिट मुझे क्या होगा कि मैं इसी को ही पार्टिंग सरफेस में यूज़ कर लूँगा। अच्छा, नीचे आते हैं और पार्टिंग हमारा कहाँ पे आएगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये पूरा नीचे तक आ गया है। ओके, अब जो है हम यहाँ से पार्टिंग लेंगे, तो ये पूरा फेस हो गया है, इसे कर देते हैं ओके। और इस जो मॉडल था हमारा उस मॉडल को जाएंगे और इसे एक बार आप हाइड करके देख लीजिए कि जो हमारा है ये पार्टिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये पूरा हमें सरफेस इसकी बना ली है। अब इसके बाद यहाँ से आप ले लीजिएगा, यहाँ पे होगा एक ऑप्शन रिबन बिल्डर, ये रहा रिबन बिल्डर, रिबन बिल्डर लीजिएगा और कर्व को क्लिक करेंगे, टेंजेंट कर्व क्लिक, और प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके ओके, और क्या ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप स्यू ले लेना, अगर एक साथ जुड़ा हुआ होता तो इस स्यू में पूरा एक साथ ही सिलेक्शन में आ जाता। अब आप इसे ऐसे ले लीजिए या फिर विंडो ड्रैग करके ले लीजिए तो भी ये ले लेगा, और कर देते हैं ओके। तो ये पूरी सरफेस आपस में जॉइन हो गई है और एक सिंगल सरफेस बन गई है। और एक मिनट चेक करते हैं प्रत्येक करके, ये बीच का कुछ सिलेक्शन प्रॉपरली हुआ नहीं है, कुछ डबल है या कुछ गड़बड़ लग रही है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से शुरू करेंगे सीओ। और एक तो ये है, एक ये है, और इन सबको आप सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं पे हो सकता है कि डबल हो रही हो तो डबल की वजह से वो वार्निंग दे रहा हूँ, आपको एक ही बार क्लिक करना है सब। अगर वो वार्निंग नहीं आती तो हमारा ठीक था, उसमें अलग से ले सकते हैं, लेकिन वार्निंग आ रही थी तो इस वजह से मुझे ये अलग से दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ा। ओके, अब कोई वार्निंग नहीं आई है तो अब ये हमारा ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास जो एक्सट्रूड था इसे मैं शो कराता हूँ, और जो बॉडी थी इस बॉडी को भी मैं शो करा देता हूँ। और अब हम देखेंगे, यहाँ से आप इसे ले लीजिए सब्सट्रैक्ट, इस वाली बॉडी में से मैं इसको कट करना चाहता हूँ, साथ में कीप भी करना चाहता हूँ, तो टूल मेरा कीप हो जाएगा और ये कट हो गया है। कट होने के बाद अब आप इस बॉडी को हाइड कर दीजिए, इस बॉडी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए बीच में कटा हुआ गैप आ गया, और ये जो हमारे पास बना हुआ आ रहा है इसको हम कर देते हैं स्प्लिट। तो आप यहाँ से जाएँ, स्प्लिट ले लीजिए, और टारगेट ये है मेरा, और कटिंग फेस ये यहाँ से मत लीजिएगा, आप यहाँ से स्यू ले लीजिएगा। आप फिर प्रीव्यू करते हैं, ये ओके कर देते हैं, प्रीव्यू इसका आ रहा है। अब इसके अंदर जो ये स्यू सरफेस थी इसको आप हाइड कर दीजिए,
हाइड कर देते हैं इसको, और ये जो आ रहा है इसको आप यहाँ से रखिएगा सॉलिड बॉडी, और क्लिक करके हम इसे भी हाइड कर सकते हैं। तो ये एक पोर्शन मेरा ये आ गया है, आप इसे सिलेक्शन एडिट डिस्प्ले क्लिक, और कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ओके ये मेरा कैविटी हो गया है, कैविटी पूरा आ गया है, ओके और इसी कई सेकंड चाहिए तो हाइड एंड शो से चले जाइए, या यहाँ से आप चले जाइए शो से और ऊपर वाला, ओके इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे हाइड कर देते हैं, और ये मेरा कैविटी साइड कोर साइड सॉरी, और इसको सिलेक्ट करके कलर कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, और कैविटी मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको ट्यूटोरियल में समझ में आ गया होगा। इसके आगे इसके अंदर मोल्ड बेस वगैरह कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बाद में डालूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।